अब क्यों लिख के दे देले बाकी दारू पे चले पिए हुए कहते हैं तो वो अभी को झटका होली 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 में तनि आदमी ले लेला। वो पहले वाला बात नहीं है जो पहले रहे। शक्ति बा पूरा मुख्यमंत्री का आदेश बा कि हमारे ऐसा आदमी अगर गलती कर दी तो हमार सजा हुई न जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे हमको नहीं पता है कि वो लोग क्यों आए थे। हाँ, मेरे घर पर डीएसपी साहब आए थे, थाना प्रभारी आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों आए थे। शायद किसी ने खबर दे दिया है कि मेरे घर पर शराब का बोतल रखा हुआ है। ये तमाम बातें श्याम बहादुर सिंह की है। दरअसल आपको पता है जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, जो कि सिवान से पूर्व विधायक है, जदयू के ये विधायक थे, जिनके घर पर पुलिस सुबह सुबह छापेमारी करती है। खबर आती है कि उनके घर पर शराब की बोतल रखी हुई है, जिसके बाद थाना प्रभारी तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंच जाते हैं, छापेमारी करते हैं। और अब इस पूरे मामले में खुद श्याम बहादुर सिंह की का बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कहते हैं कि हमको नहीं पता है कि क्यों वो लोग आए थे। किसी ने थाने में ये कंप्लेन करवा दी है कि मेरे घर पर शराब की बोतल रखी हुई थी। हाँ, हमारे घर पर कुछ लोग आए थे, पुलिस अधिकारी आए थे, डीएसपी साहब आए थे, थाना प्रभारी आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे नेता खुद ही यानी नीतीश कुमार शराबबंदी करवा रहे हैं और हम कैसे अपने घर पर शराब रखें। आपको बताएं, अपने विवादित बयानों के वजह से और अपने अजीबोगरीब बयानों और अजीबोगरीब रवैये के वजह से ये जो श्याम बहादुर सिंह है यानी जदयू के पूर्व विधायक है, वो फेमस रहते हैं। कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पटना के गांधी मैदान में वो पियकड़ों का सम्मेलन करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी है तो हम कैसे पी रहे हैं। तो देखिए, श्याम बहादुर सिंह जो कि बयानवीर विधायक के नाम से जाने जाते हैं और उनकी अजीबोगरीब बयान आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, खबरों का सुर्खियां बना रहता है। और अब उनके घर पर सारण पुलिस यानी आपको बताया सिवान की पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही होती है। सुबह सुबह खबर आती है कि उनके घर पर शराब का बोतल पाया गया है। और अब इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर खुद श्याम बहादुर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना बयान दिया है। क्या कुछ श्याम बहादुर सिंह कह रहे हैं, हम आपको पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। छापामारी भई रहे कि नहीं तो हम देखी जन्म आई रह लो, प्रशासन से लोग आई रह लो, थाना प्रभारी और डीएसपी साहब। डीएसपी साहब क्या हुआ फिर आए सब तो? कहीं कुछ ना, कहीं देख ली नीचे से ऊपर ले, कहीं खोज ली कुछ मिल जाओ तो स्वतंत्र बने रहो एफ आई आर करे खातिर। तो कहीं कुछ है ही नहीं, है सवाल ही नहीं है। किस लिए आए चलो है, किस लिए आए? अब क्यों लिख के दे दे बाकी दारू बेचे ले पिए हुए कहते हैं तो वो अभी को झटका होली 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 में तनि आदमी ले लेला। वो पहले वाला बात नहीं है जो पहले रहे। शक्ति बा पूरा मुख्यमंत्री का आदेश बा कि हमारे ऐसा आदमी अगर गलती कर दी तो हमार सजा हुई न जाए। पहले कितना दिन हो गए? हाँ पक्का। तब काहे कति माने रहुआ यहां पुलिस आइल, कोई फसावे चाहता है? केउ को अदल रहे कि भाई दारू पिए ले, दारू बेचे ले, बेचवावे ले, हम देख ली पता लगा ली। अगर ऐसा बात हुई तो एक दिन के धंधा नहीं है न, पहले से भाई रोहित सुना आपने इस पूरे मामले में यानी शराब की छापेमारी के मामले में खुद श्याम बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया। उन्होंने साफ इस पूरे मसले से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि नहीं, हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी को छापेमारी करनी है तो आइए आप देखिए, हमारे नेता खुद शराबबंदी कानून का सपोर्ट कर रहे हैं और हम कैसे इसे ऐसा इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।